इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं, जो आपकी ऑडियंस को आपके प्रोजेक्ट में एक्ट्रेस के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद करेगी। मैं जिस टेक्निक का जिक्र कर रहा हूं, उसे रेक्यून आई टेक्निक कहा जाता है और इसमें आपके मॉडल या एक्ट्रेस की आंखों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मास्क एंड शेप का उपयोग शामिल है। जब एक फोकस पुलर कैमरा और एक्ट्रेस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करता है तो वह कैमरा के सेंसर और एक्ट्रेस की आंखों के बीच की दूरी को माप रहा होता है। इट्स ऑल अबाउट आई कॉन्टेक्ट। जब आप किसी के साथ बातचीत करने के लिए बैठते हैं तो आप उनकी आंखों के साथ जुड़ते हैं या उनकी आंखों में देखकर बातें करते हैं। तभी तो कहते हैं कि आंखें आत्मा की खिड़की होती है, जो बिना शब्दों का उपयोग किए इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकती है। इसी वजह से यह टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टाइमलाइन में सिलेक्टेड एक क्लिप के साथ दोनों आंखों के लिए इंडिविजुअली मास्क क्रिएट करके अपना करेक्शन शुरू करेंगे। आइए इलिप्स मास्क बटन पर क्लिक करके लेफ्ट साइड की आंख के लिए मास्क को शेप देना शुरू करें। ऐसा करने के लिए प्लीज मुझे थोड़ा समय दें। लेट्स रिपीट द सेम स्टेप फॉर द राइट आई। हम इलिप्स मास्क को सिलेक्ट करेंगे और उसके साइज, रोटेशन, पोजीशन को चेंज करेंगे। आप यह भी नोटिस करेंगे कि मैं हर शेप के लिए फेदर इंक्रीज कर रहा हूं, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी ऑडियंस मास्क पर ध्यान दे। नाउ हमने दोनों आंखों के लिए मास्क की पोजीशन को सेट कर लिया है। अब हम अपने कलर करेक्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम हाईलाइट से शुरू करते हुए दोनों आंख की ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए थ्री वे कलर व्हील्स का उपयोग करेंगे एंड देन मिड टोन को थोड़ा ब्रिंग अप करेंगे। Alright, that's looking pretty good. Next, हम एक्ट्रेस की आंखों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में हेल्प करने के लिए थोड़ा सा शार्पनेस ऐड करके फिनिशिंग टच अप्लाई करेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्रिएटिव पैनल को ओपन करेंगे एंड देन शार्पनेस स्लाइडर को राइट की ओर बढ़ाएंगे। आइए बिफोर एंड आफ्टर देखें। Nice, that's a pretty cool technique. Now, यदि आपको लगता है कि इफेक्ट इज टू इंटेंसी, तो हमें बस इतना करना है कि लेफ्ट साइड की आंख के लिए यहाँ से मास्क ओपेसिटी को कम करेंगे और यहाँ से राइट साइड की आंख के लिए। आई थिंक दैट लुक्स बेटर। इट्स सटल बट यह इमेज को बेहतर बनाता है। सो नाउ हमने अपना करेक्शन कर लिया है, तो हमें अपने एक्ट्रेस और कैमरा की मूवमेंट को मैच करने के लिए दोनों मास्क को ट्रैक करना होगा। जब मैं अपने शॉट के थ्रू प्ले हेड को ड्रैग करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि एक शैडो फ्रेम को क्रॉस करती है, इसलिए हम एडोब ऑप्टिकल ट्रैकर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय हम दोनों मास्क को मैन्युअली ट्रैक करेंगे। बिगिनिंग विद द लेफ्ट आई, हमारे फर्स्ट मास्क को सिलेक्ट करने के साथ आइए कीफ्रेम एनिमेशन को ऑन करेंगे। देन अपना फर्स्ट कीफ्रेम बनाने के लिए मास्क को रिपोजिशन करेंगे। इसके बाद हम क्लिप के थ्रू प्ले हेड को मूव करेंगे और कम्प्लीट होने तक आवश्यकता अनुसार रिपोजिशन करेंगे। ऐसा करने के लिए प्लीज मुझे थोड़ा समय दे। अब हम अपने सेकंड मास्क के लिए कीफ्रेम एनिमेशन को ऑन करते हैं एंड रिपीट द सेम स्टेप। जब तक हम पूरी क्लिप के थ्रू से ट्रैक नहीं कर लेते, तब तक हम केवल आवश्यकता अनुसार रिपोजिशन करेंगे। बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, बट हमारे पास वास्तव में एक अच्छा ट्रैक है और हमारा करेक्शन हमारे ऑडियंस को एंगेज करने में बहुत अच्छा काम करता है। एक और चीज जो हम आंखों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं, वह है वाइब्रेंस को इंक्रीज करना, और वह कंट्रोल यहाँ क्रिएटिव पैनल में है। एंड देन स्लाइटली राइज द सैचुरेशन। आइए बिफोर एंड आफ्टर देखें। चलो इसे एक बार फिर प्ले करके देखते हैं। नाइस, वेरी गुड। यह हमारे एक्ट्रेस को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए एक शानदार काम करता है। वेल, आई होप कि यह टेक्निक आपके कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो में फायदेमंद होगी और आपको वास्तव में हैप्पी क्लाइंट देने में मदद करेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।